अगर क्लास 12th में हो तो जान लो कि अब आपके स्कूल में आपको फाइलों का बर्डन मिल गया होगा, दशहरा खत्म, रावण भैया अंकल जल चुके हैं, और भैया आपको जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, और एग्जाम कब आ गए सर पे पता ही नहीं चलेगा। तो आपको सबको पता है फरवरी के मिड से अब एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और मैंने अभी अभी बताया कि भाई साहब अब सीजन चालू हो रहा है आपके स्कूल में भी फाइलों का, कॉपियों का, टेस्ट का, प्री बोर्ड्स का, इसके अलावा फालतू के बाहर के बर्डन आएंगे, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर बहुत सारे काम आपको दिए जा सकते हैं भाई। इसके अलावा आपके पास जो है मैंने कहा त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहारों में समय आपका जायज जाना ही जाना है, शादियां, अब क्या बचा आपके पास, नवंबर जिसमें आपका दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज, और ना जाने छोटे मोटे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स आएंगे, और भाई अब तो जो है उसके अलावा शादियों का मेन सीजन जो है शादियां ही नहीं भाई, शादियों में भी जाओगे और फिर रिसेप्शन में भी जाओगे उसकी, और भाई साहब जल्दी से अगर बाबू का कोई प्रोग्राम किसी का हो गया ना तो भाई साहब उसके अंदर भी जाना है आपको। फरवरी का महीना ठंड वाला भाई साहब, समझते हो ना, दिसंबर जनवरी फरवरी तो आपकी आधी तो ठंड में निकल जाती है भाई साहब, ठंड से रजाई से हाथ नहीं बाहर निकल रहे, समझ रहे, ये समय पर सही स्ट्रेटेजी को बना लेना जरूरी, यानी कि क्लास। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही देखा है आपने थंबनेल, पढ़ने की स्ट्रेटेजी, अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है और क्लास 12th और 10th वालों के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत है अनिवार्य, यानी कि अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाते ना तो ये जो पेपर है आपके तुरंत सर पे आके बैठ जाएंगे। दिवाली आने वाली है तो भैया आपको वो भी मनाना है, ऐसा तो है नहीं कि दिवाली मनाना नहीं है, दिवाली में भी आपको टाइम देना है और अपने मार्क्स की भी सोचनी है, अपने फ्यूचर का भी सोचना है, तो भाई साहब आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। अब आएगा शादियों का सीजन, धमाकेदार तरीके से बैंड बाजा घोड़ी बारात जो है वहां पर सब लोग दिखाई देने वाले हैं आपको, खूब सारे पार्टियों में जाने का मौका मिलने वाला है, समय वेस्ट ना चाहते हुए भी जाओगे भाई, कहोगे फाइल बेशक आके बना लूं और आके तो सो जाना निश्चिंत है, कहने का मतलब सारे काम कर लोगे लेकिन भाई साहब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कहने का मतलब रिवीजन, प्रैक्टिस जो मेन चाहिए, जो एग्जाम में काम आने वाला है, एग्जाम में आपके फाइल काम नहीं आने वाली, एग्जाम में आपका होमवर्क काम नहीं आने वाला, क्योंकि होमवर्क तरीके से आप करते नहीं है। इसके अलावा शादियों में जाना, त्योहारों में खूब सारा समय वेस्ट करना आपके काम नहीं आएगा, फिर भी इनको करते हुए भी, इनको इग्नोर करते हुए, इनको मैनेज करते हुए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो कितने सारे यहां से परेशानियां आती है अगर आपने डेली के भाई साहब प्लानिंग नहीं की कि आगे 10th में हो या 12th में हो और मुझे कैसे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो समझ जाओ भाई साहब सारा हो गया बेड़ा गर्क, समझ गए। तो अब आपको प्री प्लान करने की जरूरत है, तो सर कैसे करें, इससे कैसे बचे, तो भाई साहब अभी से जब आपके दिमाग में सारी चीजें अगर क्लिक करेंगे, आपको याद क्यों दिला रहा हूं, क्योंकि पता है हमारा माइंड क्लिक नहीं करता, रिवाइज नहीं करता कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, बस चलते जा रहा है, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं करना, आपको भाई साहब सोचना पड़ेगा कि रियलिटी में सब कुछ होने वाला है तो भाई मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अब आपको प्री प्लान करने के लिए पहले तो दिमाग में सेट कर लो कि इतने जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, इसके अलावा जितने फंक्शंस आएंगे, छोटे मोटे घर के काम आएंगे और अदर एक्टिविटीज आएंगी, फाइलों पे कितना समय देना है, ये सब को फटाफट जो है सेट करिए कि भाई साहब फाइलों को फटाफट निपटा देना है, होमवर्क का पार्ट कुछ है निपटा देना है, बचे घर के फंक्शन और ये सारी चीज में हम पे डिपेंड करता है दोस्तों कि हम कितना समय वहां पर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास एक घंटा है, आधा घंटा है, 10 मिनट है, 15 मिनट है या नहीं है तो हम नहीं देंगे भाई, हमारा 12th सबसे पहले टारगेट है, और खासकर जो बोर्ड स्टूडेंट में क्लास 12th है भाई आपका फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, नॉलेज तो नॉलेज मिलेगी आपको अपने पढ़ाई से और आपका फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तो बड़े ध्यान से समझिए कि इन फंक्शंस को आने वाले फंक्शंस की लिस्टिंग तो आप नहीं कर पाओगे लेकिन तय जरूर कर सकते हो कि भाई साहब कौन से फंक्शन में मुझे जाना है या नहीं जाना है या कितने देर के लिए जाना है, और ये सारी चीजें तय करना जरूरी है। तो अपने फाइलों का बर्डन, अपने होमवर्क का बर्डन साइड करके अब प्लान करना शुरू कर दो कि कौन से सब्जेक्ट को भाई इतना टाइम देना है तो देना है, इसके बिना नहीं उठना भाई साहब, ना चाय पीना है ना पानी पीना है, एकदम अनशन पे बैठ जाओ केजरीवाल जी की तरह कि भाई साहब आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं कि मैं उठूंगा नहीं भाई साहब, तो चैप्टर कंप्लीट कर दो, एक बज जाए, दो बज जाए भाई साहब, लेकिन आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट को उस दिन टाइम देना चाहिए। डेली जो है आप कम से कम दो सब्जेक्ट को पिक करो, कम से कम कह रहा हूं, नहीं तो तीन सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं पढ़ने की प्लानिंग में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। पहले मैंने आपको फिर से अवेयर कर दिया, अपने फंक्शंस पार्टीज के लिए अपने दिमाग को तंदुरुस्त बना लो भाई साहब, तीन पार्टी फंक्शंस में इतना समय देना है या ये वाला बहुत जरूरी है, वो वाला बहुत जरूरी है, उस दोस्त की शादी में तो जरूरी नाचना है और बुआ की शादी में, मामा की शादी में, समझो ऐसे ऐसे नाचना है, जो सेट कर लेना। इसके अलावा दो दिन तीन दिन के अलावा नहीं, हां 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए गांव ले जा रहे हैं, घर वाले भाई साहब साफ मना कर दो, किसी की भी शादी है मत जाना, जाना हो एक दो दिन के लिए जाना मैक्सिमम, वो भी बहुत जरूरी हो तो, वरना भाई साहब आपकी शादी में समस्या आ सकती है, बड़े ध्यान रखना, समझ आ गया। तो आज अगर आप अपनी प्री प्लानिंग कर लोगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर लोगे तो भाई साहब कल को जो है ना आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, बात समझ में। तो मैं सूरज मालाकार आपको मास्टरमाइंड बाबा पर यही प्लानिंग लेकर आया हूं कि आपको क्या करना है। पहला माइंड सेट करना है, माइंड को सेट करना है कि मुझे कितना समय किसके लिए देना है, किस पार्टी फंक्शन, किस घर के, किस काम के लिए, भाई करना वो भी जरूरी होता है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, क्या नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, समझ आ गया।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि होमवर्क और फाइल्स को एक साइड रखकर उस पर प्रीप्लान कर दो, फटाफट खत्म कर दो, कोई बहुत ज्यादा उससे जो है आप तूफान खड़ा नहीं कर दोगे पेपर में, आपको ये भी बता दूं साफ साफ, सही है। इसके अलावा अब बात आ जाती है पार्टी फंक्शंस को क्लियर कर दिया, फाइल वाइल को फंक्शन क्लियर कर दिया, फाइल वाइल का काम रेडी कर दिया, अब आता भाई साहब अपनी प्रीप्लानिंग। आपके पास 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होंगे भाई साहब, तो उसमें डेली 2 से 3 सब्जेक्ट में टाइम देना है और हर दिन कम से कम एक चैप्टर का टारगेट बनाकर चलो कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो करना है, वरना भाई साहब क्लास 12th निकल जाएगी यूं। ऐसा आता ना आंधी तूफान की तरह आया और किस धोखे से चला गया पता भी नहीं चलेगा आपको, और क्लास 12th आपके निकल गई, मार्क्स आपके हो गए डाउन, नॉलेज हो गई डाउन, और सारे पार्टी फंक्शंस आपको याद आएंगे, काम कुछ भी नहीं आएगा। तो भाई साहब ये जो सीजन खतरनाक सीजन आ रहा है ना, सर्दियां बहुत ठंड लगने वाली है भाई साहब, अब तो रजाई और जेब से हाथ निकलने से बाहर ही नहीं आने वाले, आलस्य इतना होगा, इतने आलसी हो जाओगे ना पूछो मत, तो ये आलसी आपको जो टाइम आपका खराब करेगा। पार्टी फंक्शन जितने आने वाले, रिसेप्शन, बच्चे की पार्टी और शादी, सब में जाना बंद कर दो, या बहुत जरूरी अर्जेंट बहुत चले जाना आधे घंटा एक दिन के लिए, समझ आ गया, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फाइलों का काम जल्दी से फटाफट हटा के निपटा के इसको हटा दो। प्री बोर्ड्स आएंगे आपके, प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आपके रियलिटी में जो मार्क्स आप गेन करते हो ना, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में इंपैक्ट करता है, ध्यान रखना। तो जो कई टीचर्स है स्कूल के, वो आपको प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है ना इसी बेस पर देंगे, कई टीचर्स, हर टीचर की बात नहीं करूंगा, कई टीचर समझदार होते हैं, वो अच्छे मार्क्स आपको ऑलरेडी दे देते हैं कि चल यार ठीक है बच्चा मेहनत ही है, हाँ बच्चा बहुत ज्यादा डाउन है तो थोड़े से मार्क्स कम अलॉट कर देते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी कि प्री प्लानिंग आपको अपने लिए बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है ना कि नहीं क्लिक करता है, ठीक है। तो बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, प्लान करने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है, और खास करके कॉमर्स का बच्चा होगा तो पढ़ता ही इन सब के बारे में बिजनेस में अच्छे से, और साइंस का बच्चा तो भाई साहब भगवान की ही माया है, वो तो इंटेलिजेंट होता ही है। तो बीच में छोटी सी बात बतानी आपको बहुत जरूरी थी कि आपको इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो अपने लिए टॉपर बनने की राह में, अच्छे मार्क्स लाने की राह में 90% लाना है, 80% लाना है, 60% लाना है, जिसका जो टारगेट है ना वो अचीव कर पाएगा जब ये प्लानिंग होगी, और नहीं होगी तो भाई साहब बात ही खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो गया फिर तो, समझ आ गया। तो इन प्लानिंग्स के साथ आप ध्यान दो, ज्यादा नहीं बातें करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसके बारे में सोचना, और वीडियो पसंद आए तो क्लास 10th 12th वालों को, 9th 11th वालों को भी शेयर कर सकते हो भाई, वो भी पढ़ने वाले ही हैं, उनके ऊपर भी ये बटन रहेगा, लेकिन 10th 12th के लिए स्पेशली वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कोई हमारे लाइक जो भी डाउट हुआ करें, जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हुआ करें जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।